भागलपुर में रविवार को गंगा समग्र के जिला कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कमेटी का विस्तार किया गया। इस दौरान कई नए सदस्यों को कमेटी में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। भागलपुर गंगा समग्र में राजकुमार सिन्हा को नगर संयोजक, कुमार गौरव एवं पुष्पलता मिश्रा को सह संयोजक, अंजलि घोष को घाट आयाम प्रमुख एवं रूपा साह को आरती आयाम प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रघुनंदन चौरसिया को पर्व आयाम, बबीता मिश्रा को पौधारोपण जैविक कृषि आयाम, चंदन सहाय और सत्यम भास्कर को गंगा सहायक नदी आयाम प्रमुख बनाया गया है। वहीं अलग अलग सदस्यों को तालाब आयाम, गंगा आश्रित आयाम, जल निकास आयाम, शिक्षण संस्थान और प्रचार मीडिया आयाम के प्रमुख का कार्य सौंपा गया है। इधर गंगा समग्र की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्वेता सिंह ने कहा कि नए सदस्यों के जुड़ने एवं जिम्मेदारी संभालने से स्वच्छ गंगा बनने का संकल्प आसान होगा। उन्होंने कहा कि हर नदी की पवित्रता की अपनी अलग अनूठी कथा है, जबकि गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी एवं नर्मदा जैसी नदियाँ तो देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की पोषक और संरक्षक है। साथ ही जिला संयोजक अंजलि घोष ने बताया कि गंगा समग्र नदियों को प्रमुखता देते हुए नदी आयाम पर कार्य कर रही है। नदियां देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बहकर असंख्य जीवों को तृप्त करती है। मौके पर सुनीति मिश्रा, भोला मंडल, सिम्मी झा और प्रियरंजन कुमार समेत गंगा समग्र के कई सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। दो हजार 2024 लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसको लेकर चुनाव के दौरान वोटर को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। शहर के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, NCC कैडेट्स, स्काउट एवं गाइड समेत अन्य संस्थाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकालकर आम लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की गई। साथ ही रैली में शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी, चिकित्सक, व्यवसायी समेत हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शामिल होकर सभी नागरिकों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। बता दें कि दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के हर तबके के पुरुष, महिला और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर सभी नागरिकों को मतदान के महापर्व में हिस्सा लेने का संदेश दिया। मतदान और चुनाव लोकतंत्र का महापर्व और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। अगर हम मतदान करेंगे तो अपने इच्छित उम्मीदवार को चुन सकेंगे। अच्छा उम्मीदवार चुनना है तो मतदान करना है। मतदान को आवश्यक बनाना चाहिए, तभी हर घर से मतदान होगा। आवश्यकता इस बात की है कि घर घर से लोग निकलें और जैसे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रभात खबर ने किया है, इस प्रकार के कार्यक्रमों को लगातार चलाना चाहिए और हमें अपने मतदान का निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। मतदान एक राष्ट्र पर्व की तरह है और इस राष्ट्र पर्व में आनंद के साथ शामिल होना चाहिए सबों को। ये मौका कई साल बाद एक बार आता है, इसलिए और मतदान के दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है, हम उसका लाभ लें और ज़रूर घर से मतदान करने को निकलें। शहरी क्षेत्र में थोड़ा गिरावट है, देहाती क्षेत्र में लोग ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए वो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं और शहरी लोग ज़्यादा सुविधा भोगी हैं। इसमें तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। मैं उनसे पुनः निवेदन करूँगा कि वे घरों से निकलें और डेट भी तय हो गया है और ज़रूर उस दिन मतदान करें। और बांका के धोरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नानानपैर गांव में रविवार की दोपहर खाना बनाने के दौरान थोड़ी सी लापरवाही के कारण आग लग गई। घटना में गरीब परिवार के 5 घर जलकर खाक हो गए। घटना को लेकर समाजसेवी विवेकानंद सिंह ने बताया कि खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से आग भड़क गई और फिर देखते ही देखते 5 घर आग की चपेट में आ गई। हालांकि अग्निशमन विभाग को सूचना देने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, पर तब तक आग ने अपना काम कर दिया था। घटना में कैलाश पासवान, बमबम पासवान, राजेंद्र पासवान, राहुल पासवान और रोहित पासवान का घर जलकर खाक हो गया है। वहीं पीड़ित परिवारों द्वारा स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है।
बांका के बाराहाट मुख्य बाजार स्थित रमेश चौधरी के ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए एक बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे और दुकान के सामने बाइक को खड़ा कर दिया। इसके बाद ज्वेलरी की दुकान के अंदर घुसते ही बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर व्यवसायी के हाथ पैर को रस्सी से बांधकर मुंह में टेप लगा दिया और बड़े इत्मीनान से लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यवसायी के अनुसार दिन दहाड़े हुई इस लूट में 1 किलो चांदी एवं 50,000 रुपए नगद लूटा गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस छानबीन के लिए मौके पर पहुंची और जांच के क्रम में पुलिस द्वारा आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें बाइक से बदमाशों को भागते हुए देखा जा सकता है। वहीं ज्वेलरी व्यवसायी रमेश चौधरी ने बताया कि तीन युवक द्वारा दुकान के अंदर अचानक घुसने के बाद हथियार सटाकर उन्हें चुपचाप रहने को कहा गया। इसके बाद तीनों ने पहले उनका हाथ और पैर बांधा और बाद में उनके मुंह पर टेप लगाकर उन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया। लुटेरों ने लूट के बाद दुकान के आगे का शटर गिरा दिया और मौके से फरार हो गए। इधर बाराहाट थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। अपराधी जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे। फिर उनको जो जो लेना था ना मुझे क्या लिए 50,000 था। हाँ, बोला तो वही केसर था, चांदी का किलो कितना था? 1 किलो। वही सब लेके अपना तकरीबन 1 किलो चांदी का 50,000 रुपया। हाँ, वही सोना जो किया रहे 18-12। हाँ, मोबाइल मेरा गया। आपका मोबाइल लेके? हाँ, ये बड़का मोबाइल। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सनोकर में नारायण वाटी में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण के अंतिम दिन रविवार को अयोध्या धाम से पधारे कथावाचक धनंजय वैष्णव जी के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का श्रवण करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और क्षेत्रवासियों ने ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाया। अंतिम दिन कथावाचक द्वारा भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तब तब भोले बाबा द्वारा पापों का नाश कर मनुष्यों और देवताओं का कल्याण किया गया। उन्होंने कहा कि कलयुग में कर्म ही विशेष है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्यों को अच्छे कर्म करना चाहिए। कथा समापन के मौके पर संत श्री हजारी बाबा, नंद जी बाबा, तबला वादक अशोक जी एवं सभी कलाकार समेत कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।